मुख्य परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, कैसे डाउनलोड करें इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को पेशेंस बना करके जरूर देख लें और अपने साथियों तक भी जरूर शेयर कर दें। आपके एडमिट कार्ड है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कैसे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, तो चलिए पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन अभी जारी किया है, यानी आज ही 16 फरवरी को इसको जारी किया है। लेवल वन और लेवल का परीक्षा शेड्यूल भी यहां साथ में दिया हुआ है। आप देख रहे हैं 25 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक आपके जो एग्जाम चलेंगे उसका सारा शेड्यूल है। उसके बाद यहां पर देखिए आप किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षा के अभ्यर्थी दिनांक 17 फरवरी 2023 यानी कल से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssbrajasthangovernment.in से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें, यानी आपको जल्दी से कल यदि जारी होता है तो कल शाम तक या परसों ही आप है वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि फिर साइट नहीं चलने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अभ्यर्थी अपने प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र पर वेबसाइट https.recruitmentrajasthangovernment.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों साइट आपके लिए है, एक है www.rsmssbrajasthangovernment.in और एक है recruitmentrajasthangovernment.in। इन दोनों में से आप प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको इंटर करना है अपनी वेबसाइट recruitmentrajasthangovernment.in, फिर क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन खुलेगा उसको करना है। उसके बाद क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन ऑफ रिक्रूटमेंट टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, उसके आगे जैसे ही आप गेट एडमिट कार्ड का ऑप्शन करेंगे तो वहां पर आपका आएगा डाउनलोड द एडमिट कार्ड, उसको दबाना है। उसको दबाते ही आपको एंट्री और एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यानी आपको जो फॉर्म भरा था जो आपकी एप्लीकेशन नंबर है उसको और आपकी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ डालते ही आपका प्रवेश पत्र है वो खुल जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र ऑनलाइन पत्र में दी गई मोबाइल नंबर को व्हाट्सएप पर राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल व्हाट्सएप नंबर है जिसके 9461062046 से भी डाउनलोड या रिसीव कर सकते हैं, यानी आपने जो फॉर्म भरते समय अपने मोबाइल नंबर दिए थे तो उस तरीके से भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज ये डालना है राजस्थान स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल और यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं 9461062046 इस पर अपना डाउनलोड या रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड भेज भी दिया जाएगा। इसके अलावा सारी जानकारी इसमें दी हुई है कि किस तरह से आपको 1.5 घंटे परीक्षा से पहले सेंटर पर पहुंचना है और भी सामान्य जो जानकारी है वो मैं आपको शाम को वीडियो बना करके उसमें पूरी जानकारी दे दूंगा। तो अभी आप अपना डाउनलोड एडमिट कार्ड है वो कल से देख सकते हैं, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपका बिल्कुल मार्गदर्शन किया जाएगा, कोई भी समस्या उसका समाधान किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड है वो रीट मुख्य परीक्षा के आ चुके हैं, परीक्षा समय पर हो रही है, सारी आगे जो भी इसकी आंसर की है, अन्य जो भी आपकी क्या मेरिट रहेगी और कब तक आपके आगे क्या क्या प्रोसेस होगा, सारी जानकारी मैं आपको हमेशा अनिल क्लासेस पर देता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।